लगता है कि लोगों को जानकारी नहीं है उनका जाने का। और इससे पहले नीतीश कुमार जिन लोगों से मिले थे उसमें अखिलेश यादव भी हैं जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी। अखिलेश यादव का जो रुख है वो अलग है, ममता बनर्जी वाला भी रुख अब वैसा नहीं है जैसा कि पहले था। डॉक्टर रवि यादव है, डॉक्टर रवि यादव अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। आप भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को ठीक से नजर रखते हैं, समाजवादी पार्टी की जो भूमिका है उसके ऊपर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। रवि जी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। और नमस्कार आप सभी लोगों को, आपके दर्शकों को। मुझे लगता है सुनील जी ने जो कहा है और आपका जो है तो वो स्पष्ट हो जाता है दोनों का मिला के। और जो व्यक्तिगत मेरा सोचना है तो मुझे भी लगता है कि ये सिर्फ बार्गेनिंग की बात हो सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मैं समझता हूं कि गठबंधन हो जाना चाहिए। दिक्कत ये हो सकती है कि इस समय की जो स्थितियां हैं, जो पिछला जो अनुभव है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस के साथ, ये कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर अगर सीटों की बात करेगी तो निश्चित रूप से वो गठबंधन को नुकसान पहुंचाएगी, समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, अंततः सबका नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर हकीकत को ध्यान में रख के कांग्रेस सीटों की मांग करती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। उससे समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा और कांग्रेस को भी फायदा होगा, विपक्ष को फायदा होगा, लोकतंत्र को फायदा होगा। आज की स्थिति यह है कांग्रेस की, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो अगर व्यक्तियों को छोड़ दें तो एक भी ऐसी सीट मुझे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लगती कि जिसको आप कांग्रेस के लिए मजबूत सीट के तौर पर कह सकते हैं कि वो किसी को भी लड़ा के वहां जिता सकते। रायबरेली भी अगर सोनिया जी नहीं लड़ेंगी तो रायबरेली की सीट भी निकालना बहुत आसान नहीं है। जिस अखिलेश सिंह परिवार का या धुन्नी सिंह परिवार का जो दबदबा रायबरेली में रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा काफी आसान था, और फिर एक राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व जब चुनाव लड़ता है तो स्थितियां अलग तरह की होती है। सोनिया जी चुनाव लड़ेंगी तो हो सकता है कि आज भी वो जीत सकें, अन्यथा उन्होंने किसी और को लड़ाया तो बहुत मुश्किल हो। अमेठी में आप देखा है राहुल गांधी जी पिछले बार चुनाव हार चुके हैं और उसके बाद जो चुनाव हुए हैं उनमें भी अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ऐसी स्थिति है कि बहुत आसानी से कांग्रेस राहुल जी के या फिर प्रियंका जी के अलावा किसी को लड़ाए तो वो जीत सकता है। राजबब्बर के लिए कोई एक सीट मांगेंगे तो मुझे लगता है कोई बुरी बात नहीं है, वो कई सीटों पर हैं जहां जीत सकते हैं वो। लेकिन व्यक्तियों के हिसाब से करेंगे तो ठीक है, अब वो अपनी निकाल के लाएंगे, कितने लोगों को हो सकता है बार्गेनिंग के आधार पर। लेकिन अगर वो 25, 30, 35, 40 सीट, 30-35 का जैसा लोग कई बार बोलते हैं कि 30-35 से कम पे क्या मानेंगे, तो ऐसी स्थितियां हैं तो मुझे लगता है कि गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचने वाला है, उससे कुछ होने वाला नहीं। आज की तारीख में 2% वोट कांग्रेस के पास है। कई बार बहुत उत्साहित हैं लोग कांग्रेस अभी कर्नाटक के चुनाव से, और कई लोग तो बहुत आगे तक चले जा रहे हैं कि साहब कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई है, बहुत मुसलमान चला गया है साथ में और सारे मुसलमानों को उनके साथ चले जाना चाहिए। जा सकता है मुसलमान, और मुझे नहीं लगता कि मुसलमान की कोई बहुत स्पष्ट रूप से प्रायोरिटी समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, मुलायम सिंह जी के प्रति उनका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका पहली प्राथमिकता यही है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। और जहां जहां अभी स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं या विधानसभा में भी अगर आप देखें तो वो इस तरह का करते रहे हैं। पीछे का भी अगर आप देखें तो नेताजी के समय पर भी अगर 2004 के चुनाव पर आप ध्यान दें तो जिन 9 सीटों पर कांग्रेस जीती थी वो सभी 9 सीटें वो थी जिन पर ब्राह्मण प्लस मुस्लिम ने कांग्रेस को जिताया था। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जो अच्छा प्रदर्शन है वो 2009 में है कांग्रेस का, और उन सीटों पर भी अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण प्लस मुसलमान ने जिताया है। तो जहां जहां उनको एक सप्लीमेंट्री या बेस वोट मिलता है मुसलमान जा सकता है, अन्यथा निश्चित रूप से बात सिर्फ मुसलमान की क्यों की जानी चाहिए, बात उस हर आदमी की जानी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से अपने आप को अलग करता है या उन नीतियों को पसंद नहीं करता है। देश की स्थिति जिस तरह की आज है उसमें जो मैं सोचता हूं, जैसा सुनील जी ने भी कहा कि जनता का दबाव है, निश्चित रूप से जनता का दबाव है, और अधिकांश लोग जो बहुत ही प्रतिबद्ध कैडर है उसको अगर छोड़ दें तो जो आम वोटर है उसकी स्थिति यह है कि वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है या तो भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले के साथ में, और वो हराने वाला समाजवादी पार्टी हो सकती है, बहुजन समाज पार्टी हो सकती है, आम आदमी पार्टी हो सकती है, अपना दल हो सकता है, जो भी दिखता है उसको, जहां दिखता है जो उनको हरा सकता है वो उसके साथ में है या तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ में। तो जैसी देश की स्थिति है आमतौर पर
वही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से। ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी के 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 अलावा आज की तारीख में कोई इस तरह का पक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने की स्थिति में हो। अब वो कितना है, हरा सकते हैं नहीं हरा सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से अगर उसको कोई टक्कर देने की स्थिति में है, मुकाबला करता हुआ कोई दिखाई देता है, तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी के साथ मिलके अगर कांग्रेस भी साथ आती है, लोकदल साथ में है, तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा। शहर की कई एक सीटें हैं जहां से अगर ये दोनों लोग मिलके चलते हैं तो उसका फायदा दोनों दलों को मिल सकता है। लेकिन 2% वोट में भी अगर आप देखें तो पिछले बार भी जो स्थितियां हैं आपको आज भी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से जो व्यक्तिगत मेरा मानना है, मैं ये मानता हूं कि बहुत लोग हैं इस तरह के कांग्रेस के सपोर्टर जो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश संख्या आज भी उनकी है जो कांग्रेस नहीं तो भाजपा के साथ चले जाएंगे। गठबंधन भी है तो वो समाजवादी पार्टी या किसी और को वोट नहीं देंगे, या तो कांग्रेस को वोट देंगे या तो फिर वो नहीं कांग्रेस का कैंडिडेट है तो वहां जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो ऐसी स्थितियों में ये थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गठबंधन का जहां तक सवाल है वो बहुत मुश्किल होगा उत्तर प्रदेश में। बंगाल की स्थितियां अलग हैं, आम आदमी पार्टी की स्थितियां अलग हैं, वहां सीधी फाइट है कांग्रेस के साथ, कांग्रेस से फाइट करनी है, पूरे पंजाब में कांग्रेस ही है, भाजपा थोड़ी उतना। वैसे ही अगर आप दिल्ली में देखें तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सेकंड पर रहती है, थर्ड पे चली जाती है आम आदमी पार्टी, तो उनकी स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश में वैसी स्थिति इस समय नहीं है कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ कि उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ हो, और ना कांग्रेस का मुकाबला है समाजवादी पार्टी के साथ। ये कुछ गलतफहमी जरूर कांग्रेस के लोगों को है कि उनको लगता है कि जैसे मुस्लिम अगर टूट जाएगा तो उनका कल्याण हो जाएगा मुस्लिम के सिर्फ आने से, तो मुझे लगता है कि उनको ये सोचना होगा कि वो सपा से लड़ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। वो पहले कोई बोकालिंगर पकड़ के लाएं, कोई कुरुआ पकड़ के लाएं, कोई लिंगायत पकड़ के लाएं जो 12-15% वोट बेस वोट बनाए, तो निश्चित रूप से मुसलमान भी चला जाएगा उनके साथ में। और ऐसा तभी हो सकता है जब पहले मुझे लगता है कि कोई किसी की संभावना अगर सबसे पहले होगी तो वो ब्राह्मण होगा, और ब्राह्मण जिस दिन भी उधर से टूटेगा भारतीय जनता पार्टी से उस दिन भाजपा अपने आप में कमजोर हो जाएगी और कांग्रेस के रिवाइवल में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। और जब तक ये नहीं होता तब तक कांग्रेस को अपनी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूपी में गठबंधन के लिए प्रयास करना चाहिए, और मुझे लगता है कि हो जाए। बिल्कुल, आप लोग जो 2009 का उदाहरण आपने दिया उसमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कल्याण सिंह चले गए थे समाजवादी पार्टी में, उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, आजम खान जैसे लोग नाराज हुए थे और मुसलमानों ने एक तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया था, ये मुख्य रीजन था। दूसरे उत्तर कर्नाटक, और इसमें फर्क यह है कि डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जैसे बड़े ताकतवर नेता वहां पे हैं, उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का वो कमजोर है, इसलिए